So hey, what is up guys, welcome back to another gameplay video. So yaar guys, usi junun ke sath वापस आ चुके हैं हम एक और नए गेम प्ले वीडियो में आर्क सर्वाइवल के। इस सीरीज का लास्ट एपिसोड तो आपने देखा ही होगा, जिसमें हमने टेम किया था एक खतरनाक नक्चरनल डायनो मेगालोसोरस। वो भी गाइस लावा के में जाके गाइस, बहुत तबाही वाला वीडियो था। अगर नहीं देखा तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये देखो भाई, सामने ही पड़ा हुआ है भाई। ये दिन भर बस सोते रहता है गाइस, रात में इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये भाई, ये मेरे डायनोज यार भाई, बेस पे कोई आया नहीं कि साला उसके पीछे टूट पड़ जाते यार, किसी को यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे गाइस। बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, अभी मेरे को इनको सबको एक जगह पे लेके आना पड़ेगा, फिर से सब इधर उधर चलेगा। अरे बस करो यार, ये आपके पूरे मैप के डायनोस को मारोगे क्या भाई? ये इनका तो कुछ हो नहीं सकता है गाइस। बट गाइस, आज के वो एपिसोड में हम करने वाले हैं मेगालोसोरस का सैडल बनाने वाले और एक अल्फा रैप्टर को टेम करने वाले हैं गाइस। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना गाइस। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, जो भी चैनल पे नए बन रहे गाइस, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना गाइस, वहां पे भी अमेजिंग कंटेंट है, आप जरूर देख सकते हो। तो भाई ये ग्रिफिन पे मैं बैठ के यार उसको एक जगह पे ले चलता हूँ। अरे बस करो भाई यार, कहाँ तक जा रहे? देखो मेरा बेस रहा उस साइड और ये जा रहे गाइस 1 किलोमीटर दूर, वहाँ तक सभी को मारते फिर रहे यार। ये एक जगह पे लगा देते हैं गाइस। और ये देखो मेगालोसोरस भाई, दिन के टाइम पे तो नहीं उठने वाला, तब तक मैं इसका सैडल बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट एपिसोड में कुछ रिसोर्सेस कम पड़ रहे थे, इसलिए अभी तक नहीं बनाया था। तो अभी मैंने रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए, हाइड वगैरह, अभी बना लेते हैं ये मेगालोसोरस का सैडल, जो कि यार ठीक है, नॉर्मल हाइड वगैरह यूज़ करता है, बट गाइस 15 पॉइंट्स लेता है यार इसको ओपन करने के लिए। तो अभी बना लेते हैं ये सैडल। बनचा, ओके गाइस, फाइनली सैडल बन चुका है। अभी सैडल को लेते हैं और इस मेगालोसोरस को पहना देते हैं। ये उठेगा क्या? बट भाई ये दिन के वक्त तो गाइस उठेगा ही नहीं, आप चाहे इसके सामने कुछ भी करो, इसको मारो, ये उठेगा ही नहीं यार। इसको सैडल तो मैंने पहना दिया है, बट भाई इसके ऊपर राइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। ये जब नाइट होगी ना तभी ये उठेगा, तभी हम इसको राइड कर सकते हैं। तो यार अभी थोड़ा वेट करते, रुको एक काम और कर सकते हैं। इनको क्या हुआ यार, फिर से बौखला गए गाइस। देखो और कोई आया होगा उधर, छोड़ो यार उनके साथ में हम नहीं जाएंगे अभी। अभी गाइस मैं ये कह रहा था कि हम जाते हैं अंडर वाटर ट्रेजर के लिए, तो गाइस हम जाएंगे, तब तक हमारी ये प्लेसियोसोरस के ऊपर बैठ के गाइस, इसके ऊपर हमने एक घर बनाया है, देख सकते हो गाइस कितना मस्त घर है। देखो प्लेटफॉर्म सैडल है इसका, इसके ऊपर हमने ये छोटा सा बेस बनाया है तगड़ा। और ये कॉर्डसेल किधर घूम रहा है बे यार, परमिशन नहीं ली और चला गया उधर। तो गाइस इसको लेके जाएंगे हम रिवर के अंदर, थोड़ा देखते हैं मेगालोडन वगैरह परेशान करके आते, तब तक नाइट हो जाएगी तो हम उसको भी चेक कर लेंगे उसका सैडल बना के। तो अभी चलते हैं सीधा और यहाँ पे कोई डायनो, ओह ओके गाइस जेलीफिश दिखी मुझे। ये गाइस ये करंट देती है, आपको स्टन कर सकती है। रुको बट इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैं ठहर तो सकता हूँ क्योंकि ये सैडल है। ओके सही है, अब इसके ऊपर से मैं उनको एरो मारूंगा। आप देखना गाइस नज़ारे देखना बस। ओ भाई ये देखो थोड़ा पानी अंदर आ रहा है, देखो इस तरह से गाइस, बट यार मज़ा आ रहा है यार। अभी इनको मैं एरो से हिट करता हूँ, ये मेरे पास ट्रैंक एरोज है यार। गाइस ये प्लेटफॉर्म सैडल तो बहुत बढ़िया है यार, देखो ऊपर से मैं मार सकता हूँ, मेरे को पानी के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। और अभी मैं 2-3 एरो मारूंगा तो ये नॉक हो ही जाएगा ये। अब इसको एक और एरो, ए भाई इसको क्या हो गया भाई? अरे यार इसने उतार दिया मुझे, इसका यार ये एग्रेसिव अटैक था शायद, अभी ये उन दोनों को जाके मारेगा। अरे भाई उनको टेम करना यार, अभी मुझे बैठने में नहीं दे रहा गाइस ये। अरे भाई ये मेरे को मारने वाले गाइस अभी, शिट शिट गाइस इन्होंने स्टन कर दिया यार, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे? मुझे जल्दी प्लेसियोसोरस पे बैठना होगा। ये मैं सैडल पे तो चढ़ चुका हूँ बट यार इसका इक्विप का साइन ही नहीं आ रहा है, वो मार तो रहा है सभी को, मैं मरूंगा तो नहीं? अबे यार ये फिर से जेलीफिश, मैं जेलीफिश की तरफ ही क्यों जा रहा हूँ बार बार यार? भाई वो चले यार, इसके ऊपर चढ़ता हूँ मैं अभी यार। शिट चल गाइस, मुझे जल्दी सैडल का इक्विप करना पड़ेगा। कहाँ गया भाई ये? ओ देखो गाइस मेगालोसोरस के साथ फाइट ले रहा है और अभी इसके नीचे से जाके मैं इसका सैडल इक्विप कर सकता हूँ। अरे यार तेरे को कुछ नहीं होगा बट मैं मर जाऊँगा यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनोज है। चलो यार थैंक गॉड मैं फाइनली बैठ चुका हूँ सैडल पे, चलते हैं फटाफट अपने बेस पे यार, यहाँ बहुत खतरनाक जगह है। तो यार चलो फाइनली नाइट भी हो चुकी है, तो अभी वो डायनासोर जो है हमारा मेगालोसोरस वो भी जाग गया होगा। भाई ये मेरा बेस तोड़ दिया यार उन्होंने, मुझे फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा यार। कोई नहीं, इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगा। और वैसे भी हमें 2-3 प्लेटफॉर्म सैडल और है मेरे पास, जिन पर मैं और बेस तगड़ा बनाने वाला होगा इस। तो यार अभी ये, अरे उठ जा भैया, अभी नाइट भी हो चुकी है तो शायद अभी उठेगा गाइस। 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, अभी नाइट तो हो ही चुकी है वैसे तो। चलो गाइस फाइनली होल नाइट हो चुकी है और देखो भाई पूरा डार्कनेस अंधेरा हो चुका है और फाइनली हमारा मेगालोसोरस भी जाग चुका है गाइस। चल भाई अब नाइट की पावर दिखा तेरी, इसको लेके चलते हैं गाइस। इसका लेवल अप आ चुका है, डैमेज थोड़े से पॉइंट डालेंगे, लो लेवल का है गाइस इसलिए इसका डैमेज थोड़ा सा लेस हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका लुक तो देखो गाइस, तो आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा इसकी आँखें वगैरह, देखो कितनी चमकती है गाइस, एकदम पूरी येलो कलर की आँखें है गाइस। देखो इसको बोलते हैं नक्चरनल डायनो भाई। अभी चलते हैं गाइस, ये जो है ना गाइस किसी को भी अपने मुंह से उठा सकता है। अब चेक करते हैं, ये लो भाई
इसने तो ये उठा लिया भाई ये डायनो को, ये छोटे नहीं बड़े बड़े डायनोस को भी उठा सकता है भाई। उतार क्यों दिया यार, मेरे को देखना था। इसका मतलब हमें इसके ऊपर बैठना पड़ेगा तभी ये उठा सकता है, इसका ये सेकेंडरी अटैक है। तो ये एबिलिटी सिर्फ इसके पास ही है, मेगालोसोरस के पास, कोई और डायनो ये नहीं कर सकता है गाइस। यही खास चीज़ है, आप इस तरह से मुंह में उठा सकते हो किसी भी डायनो को, बड़े डायनोस होंगे तब भी उन्हें भी उठा सकते हैं और साथ में उनको आप मार भी सकते हो गाइस। ये देखो गाइस, इस तरह से आप मार सकते हो। अभी मैं देख रहा हूँ कोई बड़ा डायनो मिल जाए यार, नाइट में कोई दिख नहीं रहा है। ओ भाई ये चुटकू सा डायनो गाइस, इसे भी आप उठा सकते हो मुंह में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्वाइप डाउन। ओके गाइस ये देखो, इस तरह से आप किसी भी डायनोस को इसके मुंह में उठा सकते हो और फिर आपको जहाँ चाहिए इसे ले जा सकते हो और फिर मार भी सकते हो आसानी से। अभी मैं देख लेता हूँ कोई बड़ा डायनो मिल जाए जिसे मैं उठा सकूँ। ओ भाई पैरासोरस यार, ये तो बहुत मासूम सा डायनो होता है, बट इसे चेक करते इसे उठा सकते हैं हमने। अरे भाई रुक जा, कहाँ भाग रहा है भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यार, इसने उसके जैसे भी एक डायनो को उठा लिया यार। इसका तो स्क्रीनशॉट लेना बनता यार, ये देखो गाइस। बट ये मारेगा नहीं यार, पैरासोरस बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और कोई और डायनो देखते जिसे मैं उठा सकूँ या जिसके ऊपर मैं अपनी पावर चेक कर सकूँ। तू जा भाई यार, तेरे को मारने में कोई फ़ायदा है नहीं। कोई और जो रैप्टर्स वगैरह जिनको हम उठा पाए। और भाई ये थेरिजिनोसोर भाई, ये कुछ नहीं कर रहा है मुझे, ये अच्छी बात है। इसको उठा के चेक करता हूँ भाई, ये नहीं उठेगा यार। अरे यार ये तो मार रहा है यार, अबे ये तो केव का डायनो यार, नहीं मार सकता। ओके भाई ये शांत हो गया। ये पता नहीं यार, दो तीन शॉट मारते हैं कोई भी डायनो, बाद में नहीं मारते है गाइस। ये कुछ अलग सा ग्लिच है शायद आर्क का, इसे नहीं उठा सकते गाइस। ये थेरिजिनोसोर बहुत बड़ा डायनो है वैसे। चलो कोई और डायनो को चेक करते हैं। ओ गाइस इसने तो मॉस चॉप को भी उठा लिया भाई, ये तो बहुत बड़ा डायनो होता है। मतलब डायनो छोटा होता है बट वेट बहुत ज़्यादा उठाता है वो डायनो। तो ये हुई ना मर्दों वाली बात गाइस। देखो रैप्टर को उठा लिया इसने गाइस, और रैप्टर बस एक जगह पे खड़ा रह रहा है गाइस। बहुत एग्रेसिव डायनोस होते हैं गाइस रैप्टर। देखो कुछ नहीं, रैप्टर को ऐसे सामने देखो और स्वाइप डाउन करो। एक स्वाइप डाउन से चिल्लाता है, स्वाइप अप करोगे तो ये उठा लेगा। देखो अभी स्वाइप अप करते, अरे रुक जा भाई एक जगह पे, रैप्टर कहाँ भागे जा रहा है। ये देखो गाइस, और रैप्टर कुछ करेगा नहीं क्योंकि ये केव का डायनो है, केव का डायनो कोई मारता नहीं है। और मुझे चाहिए यहाँ पे अल्फा रैप्टर जिसे मुझे टेम करना है। बट यार अभी दिक्कत ये है कि यार डायनो देखो, दिन में मैं इसे चला रहा हूँ तो इसका क्या भाई, टॉर्पर चढ़ रहा है इसको भाई, ये तो बेहोश हो जाएगा गाइस अभी। इसका मतलब दिन में इसे चला ही नहीं सकते हो। सामने एक रैप्टर है जिसे मैं दो तीन शॉट मार के नॉक कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को परेशान करेगा। अल्फा रैप्टर को मुझे ढूंढना है। अरे भाई तू क्यों आ रहा है, तेरे को नहीं टेम करना है। अबे भाई शिट शिट गाइस, अभी इसने पकड़ लिया यार, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ये बहुत डैमेज देगा। अबे यार मेरा डायनो भी सो चुका है गाइस, मुझे ही अभी ठीक करना पड़ेगा इसको। अरे रुक जा यार, एक शॉट खाएगा बस। ओके चलो फाइनली ये तो नॉक हो चुका है, बट मुझे चाहिए अल्फा रैप्टर। बट यार वो मुझे मिलेगा या नहीं वो दिक्कत है, मैं ढूंढ लेता हूँ। इधर ही घूमते रहते हैं अल्फा रैप्टर्स, और अल्फा रैप्टर्स गाइस बहुत यूनिक डायनोज होते हैं यार। इसके अंदर मैं फूड वगैरह डाल सकता हूँ इसको भी टेम करने के लिए, बट नहीं यार मैं अल्फा रैप्टर को ढूंढता हूँ, मुझे उसको टेम करना है। वेल भाई देखो गाइस, सामने मुझे मिल चुका है अल्फा रैप्टर। इसकी यूनिक बात ये होती है, देखो इसके बॉडी से कुछ रेडिश कलर का ऐसा, ये देखो स्प्रिंकलर्स वगैरह निकल रहे हैं गाइस। भाई देखने में भी कितना मस्त लगता है यार, इसको टेम करना है। अभी गाइस इसको नॉक करना बहुत दिक्कत की बात है यार, क्योंकि इसका टॉर्पर देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा है यार। मैं इसे पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, बस इसे मुझे एरो मारना है, दूर से ही मारूंगा, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊंगा। ये मेरे डायनो ने धोखा दे दिया यार, अभी दिन में सो गया तो गाइस हम इसे टेम ही नहीं कर पाएंगे, बट मैं ट्राई करूंगा। इधर अबे साले को एरो नहीं लग रहे गाइस, एक ही एरो लगा है, वो स्टिगो के साथ लड़ाई कर रहा है, तो मुझे थोड़ा आगे आगे जाके इसको मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं है यार। जल्दी थोड़ा आगे चलते हैं, और वो उसको मारने में बिजी है, तो मैं इधर से पीछे से इसकी ले लेता हूँ यहाँ पे मस्त तरीके से। भाई इधर, ओ भाई ये कौन आ गया, ये पिराना साले यार, इनको शॉर्ट से मारना पड़ेगा। ओ भाई ये रैप्टर आ गया गाइस, इसका देखो गाइस लुक कितना सही है यार, इसके बॉडी से देखो पूरे रेडिश कलर के वेव्स निकल रहे हैं। अभी यार मुझे इसको टेम करना है, शायद ये पानी में आके किसी को नहीं मार सकता है। अभी इसको टेम करता हूँ, इधर भाई इधर। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ये डैमेज दे रहा है यार, रुको मुझे हिलते हिलते इसको मारना पड़ेगा, इसका बहुत ज़्यादा डैमेज होता है यार। यार मैं इसे नॉक तो कर रहा हूँ, क्या हम इसे टेम भी कर सकते हैं क्या, मैंने कभी ट्राई नहीं किया गाइस, इसलिए मैं देख रहा था। अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया गाइस अभी यार, शिट ये डैमेज कितना दे रहा है यार मुझे। अभी मुझे इसको जल्दी नॉक तो करना पड़ेगा, बाद में देखते इसे टेम कर सकते या नहीं, बट पहले नॉक तो करे। अबे गाइस मैं गया गाइस, अभी ऑप्शन नहीं है, मेरा आर्मर टूटने वाला है। अबे पीछा छोड़, मैं इसको मारने वाला गाइस, अभी ये मरेगा, मैं इसको टेम नहीं करने वाला भाई। ये नहीं, ये मुझे मार देगा, शिट आर्मर तोड़ दिया भाई, अब गया मैं, बहुत मुश्किल होने वाला है। मार दिया भूतनी के निशाले यार गाइस, अब इसे अगले एपिसोड में हम टेम करने वाले हमारे खतरनाक डायनो से, और हो सके तो मैं टॉक्सिकल एरो भी यूज करूंगा, तब देखते हैं कैसा नॉक नहीं होता है गाइस।
तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने को शेयर जरूर करना।